विश्वास मत पर चर्चा शुरू हो गई है। अपने भाषण में तेजस्वी प्रसाद यादव कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को बराबर अभिभावक की तरह लेते थे और उनकी प्रशंसा करते थे। उनको पाला बदलना पड़ा, उसकी क्या वजह हुई? हो सकता है दशरथ की तरह कोई वजह हो। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार देश भर के विपक्ष को जोड़कर तानाशाह मोदी को हटाने के मिशन में थे। उन्होंने कहा कि ना उन्हें प्रधानमंत्री बनना है और ना ही कोई मंसूबा है, बल्कि उनका इरादा था कि भाजपा की तानाशाही को समाप्त करें। आप कभी इधर रहते हैं, कभी उधर रहते हैं, ये तो सब लोग जानना चाहता है, सब लोग की इच्छा। आखिर क्या ऐसा हो गया कि आपको ये निर्णय लेना पड़ा? 2020 का हम लोग चुनाव जीत करके आए, मात्र बेईमानी के बाद 12,000 का डिफरेंस था पूरे महागठबंधन और एनडीए में। आप क्यों छोड़ के आए? आपने यही बोला था ना कि हम एनडीए इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पार्टी को तोड़ा जा रहा है, हमारे विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है। और आपने ये कहा था मर जाएंगे मिट जाएंगी, तो आप कहते ही रहते हैं, हमेशा लगातार ही कहते रहते हैं। उस पे हम नहीं जाएंगे, लेकिन आपने तो ये कहा था कि भाई हम लोगों का एक ही लक्ष्य है, न प्रधानमंत्री बनना है न किसी को मुख्यमंत्री बनना है, देश भर के विपक्षों को गोल बंद करके जो तानाशाह है उसको दोबारा नहीं आने देना है, इसीलिए ना पाए थे। और आप जब गवर्नर हाउस गए महोदय, मुख्यमंत्री जी जब आप बाहर आए तो आपने बोला कि आपका मन नहीं लग रहा था, आपने ये बोला कि मन नहीं लग रहा था। मन नहीं लगेगा तो हम लोग नाचने गाने के लिए थोड़ी, आपका मन लगाने के लिए, हम तो आपका साथ ना देने के लिए थे कि जो काम आप बोलते थे असंभव है उसको हम लोगों ने मुमकिन करके दिखाने का काम किया। इस तरह अविश्वास प्रस्ताव पर शासक दल एक सुविधाजनक मेजोरिटी के साथ सामने है। जानते हैं कि 125 विधायकों के समर्थन में स्पीकर को हटा दिया गया है। अब विश्वास मत पर चर्चा चल रही है और अब फ्लोर टेस्ट की बारी है। ऐसा लगता है कि आरामदायक बहुमत से नीतीश कुमार विश्वास मत हासिल कर लेंगे। माननीय सदस्यगण, वर्तमान माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा को उनकी पद से हटाने हेतु प्रस्तुत संकल्प के प्रस्ताव पर विभक्त होकर मतदान का जो फल आया है वह निम्न प्रकार है। प्रस्ताव के पक्ष में 125 और प्रस्ताव के विपक्ष में 112। अतएव समस्त सदस्यों के बहुमत से यह संकल्प पारित हुआ, अतएव यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। वर्तमान अध्यक्ष को पद से हटाए जाने पर सभा की सहमति हुई।